इधर भारत के तीन दुश्मनों ने हाथ मिला लिया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI, खालिस्तानी आतंकी और अलगाववादी ISI के इशारे पर ये भारत को पूरी दुनिया में बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। और पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान भी इन्होंने भारत विरोधी नारेबाजी करने की साजिश कैसे रची है, इस रिपोर्ट को देखिए आप। हिंदुस्तान को दहलाने के लिए भारत के दो दुश्मन एक दूसरे से हाथ मिला चुके हैं। अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। भारत को दहलाने के लिए खालिस्तानी और कश्मीरी अलगाववादियों ने हाथ मिला लिया है और इसके पीछे ISI का हाथ बताया जा रहा है। ISI ने कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड में रह रहे खालिस्तानी आतंकी और अलगाववादियों के बीच एक बैठक कराई थी और इस बैठक में भारत को दहलाने की पूरी साजिश रची गई। हमारे पास खुफिया एजेंसी, हमारे सुरक्षा संगठन और जो भी हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं जिनके ऊपर ये जिम्मेदारियां हैं वो पूरी तरह से सक्षम और समन्वित हैं। आप निश्चित रूप से ये मानिए, हमारे देश में किसी भी अस्थिरता और शांति को फैलाना कभी भी कामयाब नहीं होगा। ये देश पूरी तरह से सुरक्षित है और शांत है। PM मोदी 22 सितंबर को अमेरिका के दौरे पर जा सकते हैं और इस दौरान ISI, खालिस्तानी आतंकी और अलगाववादी भारत को बदनाम करने के लिए प्रदर्शन करने की साजिश रच रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे फर्जी किसान आंदोलन में भी खालिस्तानी समर्थकों के होने की रिपोर्ट खुफिया एजेंसियों को मिली थी, जिसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।